एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी टेस्ट सीरीज कुल शब्द 1009 प्रतिलेखन संख्या 64 गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। यह जुर्माने की रसीद आपके सामने मौजूद है। एसी डिब्बे का टिकट आपके सामने मौजूद है। हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि रेल मंत्री जी मौजूद हैं और सदन को यह अवगत कराएं कि क्या इसी तरह होगा, क्योंकि आज यह घटना आपको प्रसन्न करने के लिए की गई, यह समझकर कि आपसे हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं, या क्या कारण है कि एक डिब्बे की 12:30 बजे रात में जांच की जाती है। यदि रेल के सभी डिब्बों की जांच की जाती तो हम समझते कि सामान्य जांच हो रही है, लेकिन एक डिब्बे की जांच करके हमारी पत्नी को अपमानित किया जा रहा है, हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ आप सदन के सदस्यों को बराबर निर्देशित करते रहते हैं कि सदन की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए, सदस्यों को अपनी गरिमा को बरकरार रखना चाहिए, और आपके दिए हुए निर्देश के आलोक में सदस्यों के परिवार को अगर उत्पीड़ित किया जा रहा है। पैरा महोदय, मैं केंद्र सरकार का ध्यान उत्तराखंड की ओर दिलाना चाहता हूँ। उत्तराखंड का अधिकतर भाग पर्वतीय है, जहाँ बहुत अधिक जंगल हैं। अभी समाचार आ रहे हैं कि माओवादी नेपाल के रास्ते उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने जा रहे हैं। नेपाल के रास्ते आने वाले माओवादी आसानी से उत्तराखंड में घुसपैठ कर सकते हैं। एक बार उत्तराखंड के जंगलों में छुपने के बाद इन्हें अपनी गतिविधियां चलाने में आसानी होगी और इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि माओवादियों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कोई योजना तैयार करे, जिससे इन्हें अन्य राज्यों, विशेषकर उत्तराखंड में फैलने से रोका जा सके। पैरा अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि नमूना सर्वे की 59वीं रिपोर्ट के मुताबिक 4% किसानों ने फसल बीमा करवाया है और 59% किसानों को तो इसकी जानकारी तक नहीं है। करीब 15% किसानों को जैव खाद्य की जानकारी है। इसके अलावा लगभग 12% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी है और महज 8% किसानों ने ही विश्व व्यापार संगठन का नाम सुना है। भारत की 75% आबादी गांवों में रहती है, इसलिए सरकार किसानों में ज्ञान की इस कमी को दूर करे। कृषि क्षेत्र में फसल बीमा की बहुत अहमियत है। हमारे देश में बाढ़ और सूखे से फसलें बर्बाद होना आम बात है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि फसल बीमा किसानों के लिए अनिवार्य किया जाए और फसल बीमा में बाढ़ या सूखाग्रस्त इलाकों में मंडल की बजाय गांव को यूनिट माना जाए, जिससे किसानों को हुए नुकसान का सही सही जायजा लिया जा सके और उन्हें ठीक से क्षतिपूर्ति दी जा सके। पैरा महोदय, केंद्र सरकार द्वारा देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति देने के बाद देश के
कतिपय राज्यों में इसका किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए इस नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास का पैमाना मानकर देश में कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण कराए जा रहे हैं। आज देश में 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इतने पुराने कानून से किसानों को भूमि का न उचित दाम मिलता है, न उनके विस्थापन पश्चात भली भांति पुनर्वसन होता है। कृषि कार्य में संलग्न किसान विस्थापन के पश्चात झुग्गियों में रहने और मजदूरी करने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता किसान और कृषि होनी चाहिए, लेकिन देश के किसान और बदहाल होते जा रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के देश भर में हो रहे विरोध को इसका प्रतीक समझकर विशेष आर्थिक क्षेत्र का पुनर्विचार करने तथा देश की प्राथमिकता में बदलाव कर इसे किसान और कृषि आधारित बनाने के लिए विचार करना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का पुनर्विचार करें। पैरा महोदय, पिछले कई सालों से देश की आयुध निर्माणियों में कर्मचारियों की भर्ती बंद है और सेवानिवृत्ति का क्रम लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की संख्या में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम यह है कि वर्तमान में कुशल कर्मचारियों की संख्या में लगभग 50% के आसपास कमी हो गई है, जबकि इन्हीं निर्माणियों से प्रशिक्षु हुए हजारों कुशल कारीगर जगह जगह ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने विश्व परिस्थितियों में भी निर्माणियों की सेवा करने में अपना जीवन लगाया, उनके आश्रित आज अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या में हो रही कमी के कारण उतने ही समय में अधिक काम करने का मानसिक दबाव भी उन पर है। धीरे धीरे इन सारे सुरक्षा संस्थानों का अस्तित्व समाप्त होता चला जा रहा है। पैरा, ऐसे में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इन आयुध निर्माणियों की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता को देखते हुए देश हित में इन्हें क्षमता के अनुसार पर्याप्त काम दिया जाए। कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाए, प्रशिक्षु बेरोजगारों को नौकरी पर लिया जाए और अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को सरल करके कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान किया जाए, ताकि कर्मचारियों की कमी के कारण रक्षा उत्पादन कार्य में आ रही समस्या दूर किया जा सके और साथ ही विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के इस युग में सरकारी क्षेत्र की ये आयुध निर्माणियां रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। पैरा, मेरा वित्त मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस वर्ष भी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा भी स्वीकार किया गया है तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वयं मौके पर जाकर कहीं कहीं स्थिति का आकलन भी किया गया है, इसमें शिथिलता दिए जाने को उचित माना है। अतः अफीम काश्तकारों से ली जाने वाली अफीम की गाढ़ता से शिथिलता दिए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि अफीम काश्तकार अप्रत्याशित हानि से बच सके। पैरा, मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच तथा रतलाम
जिलों में तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़ आदि जिलों में जहां अफीम की काश्त बहुतायत में होती है, विगत दिनों असामयिक वर्षा होने के तथा साथ ही तेज आंधी चलने के कारण अफीम की गाढ़ता में जो 55 डिग्री अपेक्षित है विराम।